हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डीआई के लिए पार्ट टू कर रहे हैं। और इससे पहले जो डीआई किया था उसमें मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया था कि किस तरह से हम कंपेयर करके डीआई में जो कैलकुलेशन है उसको कम कर सकते हैं, हमें सम करने की नीड नहीं होगी, एडिशन वगैरह करने की। तो ये जो वीडियो है मेनली स्पेशली केवीआईसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आरबी असिस्टेंट का, एसबी असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें जो डीआई आती है वो कैलकुलेटिव डीआई है। तो उनको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर, और हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि हम इतनी प्रैक्टिस करें कि हम उसे कम से कम टाइम में कर पाएँ। तो मैं आपको यहाँ यही सिखाऊंगा कि हम कम से कम पेन यूज करके और बहुत कम से कम कैलकुलेशन में किस तरह से डीआई करेंगे। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पर, 5-5 क्वेश्चन के सेट हैं। अब देखते हैं, इसमें क्वेश्चन जो है वो पाई चार्ट के फॉर्म में है, पूरा परसेंटेज है। तो ये जो टोटलिंग इसने दी होगी 100% दी होगी, तो कोई इसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद इसने क्वेश्चन दिया है कि हॉकी खेलने में रुचि रखने वाले प्रोफेसरों की संख्या, तो हम लाइन बाई लाइन कर लेते हैं। हॉकी खेलने वाले रुचि जो हॉकी में रखते हैं वो कितने हैं, 8%। अब इसने बोला है कि फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले प्रोफेसरों की संख्या, फुटबॉल, हॉकी एंड बैडमिंटन, तो इनमें टोटलिंग कितनी है, 8 8 26 26, एंड ये कितना हो जाएगा, 3 एंड 4। ओके, अब देखिए इसमें परसेंटेज की बात कर रहा है कि 8 जो है 43 का कितना परसेंट है, तो हमें जो है 7 6 8 0 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है परसेंटेज से परसेंटेज कंपेयर कर पा रहा है। तो ये जो 8% ऑफ 7 6 8 0 निकालेंगे और 43% ऑफ 7 6 8 0 निकालेंगे, तो यहाँ जो मल्टीप्लाई में 7 6 8 0 होगा दोनों साइड से, वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमने क्या इसको लिखा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे परसेंटेज पूछा है तो आप परसेंटेज से परसेंटेज अगर कंपेयर करवा रहा है तो आपको मेन डिजिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप सिर्फ जो इमेजिनरी डिजिट है उसी से काम कर सकते हो। अब इसने परसेंटेज में वैल्यू पूछी है तो इनटू क्या लगा देंगे हम, 100 कर देंगे। अब देखो, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, 43 है, इसको हम 40 मान लेते हैं, 40 है, 0 से 0 कट गई, और 4 से कितनी टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स कट गया, यानी 20 आ गया। लेकिन 20 कब आया, जब ये 40 है, अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो 20 से क्या आएगी, वैल्यू कम आएगी, तो केवल एक ही ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन, वो फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेलने में रुचि रखने वाले प्रोफेसरों की संख्या और वॉलीबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले, देखो सेम इसने क्या परसेंटेज से परसेंटेज जो है कंपेयर करवाया है। अब ये नंबर को कंपेयर करवाए या कुछ भी बाद में कुछ भी पूछे, लेकिन इसने स्टार्टिंग क्या की है, कंपेरिजन किया है किसमें, परसेंटेज में। तो क्रिकेट में कितने लोग खेल रहे हैं में इंटरेस्टेड हैं, 35। इसमें वॉलीबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, इसमें कितने हैं टोटल, 7 एंड 4 21 एंड 22 एंड 30। तो इनके बीच में क्या पूछा है इसने, नंबर ऑफ पर्सन पूछे हैं कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 5% आ रहा है। 100% की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 6 8 0 है, तो आपकी 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इजीली निकाल लोगे, 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 5 8 0 0 एंड 4 5 6 30 4 3 एंड 5 3 8 38, तो 380/100। अब देखो इसमें 0 0 0 0, तो 384 इसका आंसर होगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप सिंपल तरीके से समझ रहे हो मेरी बात, कि परसेंटेज से परसेंटेज कंपेयर करना है, हमें रियल वैल्यू की कोई नीड नहीं है। अगर वो रियल वैल्यू को बाद में आंसर पूछता है तो हम उसको कंपेयर करके निकाल सकते हैं। बास्केटबॉल में रुचि रखने वाले प्रोफेसरों की संख्या और वॉलीबॉल में रुचि रखने वाले प्रोफेसरों की संख्या के बीच में क्या होगा, रेशियो। अगेन इसने क्या पूछा है, परसेंटेज से परसेंटेज कंपेयर करवाया है इसने, नंबर का कोई यूज नहीं है यहाँ पर। अब देखते हैं बास्केटबॉल में रुचि रखने वाले प्रोफेसर कितने हैं, बास्केटबॉल में प्रोफेसर हैं 14.5 और वॉलीबॉल में रुचि रखने वाले कितने हैं, 7.5। तो आपसे पूछा है इनका रेशियो, इजीली निकाल सकते हो, इनका सिंपल रेशियो निकाल लो, इनका जो रेशियो निकालो वो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। आपको इसमें ऐसा नहीं करना है 14.5% ऑफ 7 6 8 0 निकालो, 10 7.5, मतलब तो वही होगा ना, इनटू आपका 7 6 8 0 हो रहा है, यहाँ पर भी 7 6 8 0 हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, कट रहा है, वो अपॉन में 100 आ रहा है, वो भी कट रहा है, तो हमने क्या है, रेशियो जो है हमें रेशियो निकालना है, तो परसेंटेज से परसेंटेज को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी में
रुचि रखने वाले प्रोफेसरों की संख्या, वॉलीबॉल में रुचि रखने वाले प्रोफेसरों की संख्या का कितना परसेंट है। अगेन उसने परसेंटेज में वैल्यू को कंपेयर करवाया है। अगेन हमें क्या होगा, 7680 की कोई भी नीड नहीं होगी जब किसी क्वेश्चन में काल्पनिक वैल्यू के बारे में ही डिस्कशन किया हो और आपसे एक काल्पनिक नंबर ही पूछा हो, तो आपको रियल वैल्यू की कोई नीड नहीं होती। अब हॉकी खेलने में रुचि रखने वाले प्लेयर कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं। इसके बाद देखते हैं वॉलीबॉल खेलने में रुचि रखने वाले कितने प्लेयर हैं, यहाँ पर वॉलीबॉल में 7.5 प्लेयर हैं। अब इसने बोला है कि ये जो 8 है वो 7.5 का कितना परसेंटेज है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, देखो 7.5 तो इसमें है ही है, यानी कि 100% तो ये है, प्लस में इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा है 0.5। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसमें 0.5 एक्स्ट्रा है किस पे, 7.5 पे। अब एक चीज़ देख लो कि 7.5 है और ये 5 है, तो अब 100 के ऊपर ये देखो, यहाँ देखो ये तो आंसर नहीं हुआ, 100 से ऊपर वैल्यू आएगी। ये इसमें कितना है, 7 है, इसमें कितना है, 17 है, इसमें कितना है, 18 है। तो हम पहले 7 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे इससे, देखो 7749। अगर लेकिन 17 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 × 17 जो है, 7 करेंगे 17 × 17, 17 × 7.5 को हम लिख सकते हैं 8। तो 17 × 8 क्या होगा, 3468, यानी कि 86 एंड 36, तो 136 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें नियर बाई कितना चाहिए, 5 चाहिए। इसमें कितना बन रहा है, नियर बाई 5 बन रहा है 7 में, तो क्या हो जाएगा, 7 इसमें ऐड हो जाएगा। आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 7 जो है 7.5 यानी कि 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 56 आता है, जो किसकी नियर बाई है, 5 की नियर बाई है। तो हमें आगे कुछ चेक करने की नीड नहीं है इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, 107 इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, वॉलीबॉल खेलने में रुचि रखने वाले प्रोफेसरों की संख्या, फुटबॉल खेलने में रुचि रखने वाले प्रोफेसरों की संख्या का कितना परसेंट है। अगेन उसमें 7680 की कोई भी नीड नहीं है। ये क्वेश्चन मैं तो दिया ही, मतलब गलत दिया है, इसका कोई यूज ही नहीं होना था। इसका सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन में बस थोड़ा सा यूज़ था, बाकी 4 क्वेश्चनों में कोई यूज नहीं था इसका। वॉलीबॉल खेलने में रुचि रखने वाले प्लेयर कितने हैं, 7.5। इसके बाद इसने बोला है फुटबॉल खेलने में रुचि रखने वाले प्लेयर कितने हैं, फुटबॉल में है 17। अब इसने बोला है कि ये जो 7.5 है, 17 का कितना परसेंटेज है। देखो 7.5 में क्या 17 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। और इसने रेशियो में चीज़ पूछी, यानी एक्यूरेट चीज़ पूछी है। तो 17 क्या है, डिनोमिनेटर में रहेगा, हर में रहेगा। तो इसमें क्या हर में है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, केवल नन ऑफ दिस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको इसको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था DI का, जो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट था। आप इसको अच्छे से देखो, करो, समझो, और मैं DI के काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर, और बेल आइकन है उसको प्रेस करो, और बहुत अच्छे से देखो। किसी भी आपका बैंक एग्ज़ाम होगा, कोई भी बैंक पैटर्न का, उसमें जिस भी लेवल की DI आएगा आपको, वो इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट विशेज़।